पिछोर की टेकरी सरकार गौशाला पर स्वामी विवेकानंद जन्म महोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। पिछोर में मातृभूमि जन कल्याण समिति द्वारा 1 जनवरी से 12 जनवरी तक स्वामी विवेकानंद जन्म महोत्सव कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने विभिन्न तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगोली, विज्ञान प्रदर्शनी, बाल मेला, चित्रकला, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, सुलेख प्रतियोगिता, कबड्डी, अन्य तरह की प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज पिछोर गौशाला पर स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का समापन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रीतम सिंह लोधी एवं विशिष्ट अतिथि गुना सांसद डॉ केपी यादव की धर्मपत्नी अनुराधा यादव रहीं। कार्यक्रम में सबसे पहले मुख्य अतिथि प्रीतम सिंह लोधी ने स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर उन्हें नमन किया, सरस्वती पूजन किया और इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई मुरैना से आए हुए संघ के जिला प्रचारक शिवशंकर स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर प्रकाश डाला और आयोजनकर्ता को धन्यवाद दिया। इस तरह आए हुए अतिथियों ने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर व्यक्तित्व दिया। अंत में तमाम प्रतियोगिताओं में जीते हुए छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आए हुए अतिथियों को भी मातृभूमि जन कल्याण समिति द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर देकर सम्मानित किया गया। मातृभूमि जन कल्याण समिति के अध्यक्ष रजनीश तिवारी द्वारा ये आयोजन पिछले 27 वर्षों से लगातार नगर पिछोर में किया जा रहा है। जिन्हें कर लिया है वो किस जाति का है, किस समाज का है, किस दल का है, किस पंथ का है, ऐसे लोगों के लिए ये चीजें मायने नहीं रखती। जो इसमें बंधता है उसको ये मिलता नहीं है और जो इस बंधन को तोड़ देता है वो सर्व की प्राप्ति करता है, व्यापकता को प्राप्त करता है। स्वामी विवेकानंद ने भी 11 सितंबर 1893 के दिन दुनिया के अंदर विश्व धर्म सभा में हिंदू धर्म क्या है, सनातन क्या है, इस विश्व धर्म की सभा में हिंदू धर्म का बिगुल बजाए थे। वही नरेंद्र दुनिया में हिंदुत्व का एक विश्व का नाद किए थे, जो श्री कृष्ण ने स्वयं कुरुक्षेत्र के अंदर किया था, पांचजन्य बजाया था। और दुनिया में हो रही है भारत की जय। विधायक जी, आज विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में आप टिगरी सरकार गौशाला आए, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि विवेकानंद जी हमारी ऐसी धरोहर थी, ऐसे व्यक्ति थे जो पूरे देशों का, विश्व का एक सम्मेलन होता है उसमें गए थे तो भारतवर्ष को 0 पॉइंट दिया था, वो 0 पे बोले थे। हमने ऐसा किताबों में पढ़ा है, सुना है कि जब 0 पे बोलना शुरू हुआ तो मंच से उतर के वो धीरे धीरे सड़कों पे आ गए थे, तो लोगों को ये नहीं पता पड़ रहा था कि हम मंच पे हैं कि सड़कों पर हैं। वो विवेकानंद जी थे जिन्हें भारतवर्ष का नाम रोशन किया था, और भारतवर्ष में ऐसी हमारी शख्सियत पैदा हुई है, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम तो इनके पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं और विवेकानंद जी के पदचिन्हों पर चल के हम भी ऐसी सेवा करना चाहते हैं, वो हमें सीखने को मिला।